हेलो स्टूडेंट। सो आज के इस लेक्चर में भी हम पोटेंशियल फंक्शन ही फाइंड करने वाले हैं। रिमेनिंग एग्जाम्पल्स थे एक्सरसाइज के वो सारे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द पोटेंशियल फंक्शन फॉर दिस वेक्टर फील्ड। सो देखो, ये एम है, ये एन है, ये पी है, ठीक है। नाउ अब एम में क्या होता है, वाई जेड कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे देखो, आपको वाई और जेड को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है। सेकेंड में जेड कॉन्स्टेंट मतलब जब आप एन की टर्म लोगे तब टर्म नॉट कंटेनिंग एक्स। अब एन की टर्म किधर है, ये। अब यहाँ पे एक्स है तो ये नहीं लिखोगे, बस 3 + 2y ई रेस टू जेड लिखोगे। देखो यहाँ पे एंड टर्म नॉट कंटेनिंग एक्स वाई पी के इसमें देखो एक्स वाई जहां पे दिखेगा, मतलब एक्स भी दिखा तो भी कैंसिल, वाई दिखा तो भी कैंसिल, तो ये अल्टीमेटली जीरो। इसे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, आपको आंसर मिलेगा ये। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट डिफरेंशियल फॉर्म्स इन द इंटीग्रल इज एग्जैक्ट, देन इवेल्युएट द इंटीग्रल। ओके नाउ अब हमें क्या करना है, ये एग्जैक्ट है या नहीं चेक करना है। ओके एग्जैक्टनेस की कंडीशन आपके टेक्स्ट बुक में दी है, वो एक बार चेक कर लो। ओके नाउ हियर ऑलवेज कंपेयर विद द गिवन इक्वेशन इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई प्लस पी डी जेड, ठीक है। तो यहाँ पे एम की वैल्यू वाई जेड, एन की वैल्यू एक्स जेड, पी की वैल्यू एक्स वाई। ओके नाउ वही डायबा पी बाय डायबा एक्स, डायबा एम बाय डायबा जेड, वो वहां पे दिया है, ठीक है। वो जो एग्जैक्टनेस की कंडीशन है आपके टेक्स्ट बुक में दी है, तो एक बार प्लीज चेक करो, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है। सो ये कंडीशन है वो, एक्चुअली ये तीन सेटिस्फाइड हो जाने चाहिए। सो वो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये तीनों के तीनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं, दैट्स वाई दिस इज एग्जैक्ट। ओके और क्या बोला है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। अब इस इंटीग्रेशन को क्या सॉल्व करना, सिंपल है, एग्जैक्ट है। तो अगेन वाई जेड कॉन्स्टेंट ये, जेड कॉन्स्टेंट ये, टर्म नॉट कंटेनिंग ये, सो आंसर इज निगेटिव। इंटीग्रेशन का आंसर माइनस में आ सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है सॉल्व करना। जस्ट लास्ट एग्जाम्पल से इंस्पायरेशन ले, शो दैट द डिफरेंशियल फॉर्म इज एग्जैक्ट, देन इवेल्युएट दिस। अगेन सेम डायबा पी बाय डायबा एक्स, डायबा एम बाय डायबा जेड, ये दोनों निकाले इक्वल आए। डायबा पी बाय डायबा वाई, डायबा एन बाय डायबा जेड, ये दोनों इक्वल आए। डायबा एन बाय डायबा एक्स, डायबा एम बाय डायबा वाई, ये दोनों इक्वल आए, बात खत्म। इज एग्जैक्ट, एग्जैक्ट है। तो इस तरीके से सॉल्व करो, आपको आंसर मिलेगा -16। देखो वही कर रहे हैं, सेम सम, कोई बड़ी बात नहीं। शो दैट इज एग्जैक्ट एंड इवेल्युएट दिस इंटीग्रल। अगेन डायबा पी बाय डायबा एक्स, डायबा एम बाय डायबा जेड निकालो, इक्वल आ गया। यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल, एग्जैक्ट। अब अगर एग्जैक्ट नहीं आए तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने की बात ही नहीं है, ठीक है, सॉल्व नहीं करना है इंटीग्रेशन को। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन को सॉल्व किया तो आंसर आया 15, सॉरी आई एम सॉरी, ये अलग ही स्लाइड है, आई एम सॉरी। हाँ तो हाँ आंसर आया 9 log 2। ओके देन शो दैट द डिफरेंशियल फॉर्म इज एग्जैक्ट, शो दैट बोला है तो 100% होगा, ठीक है। अगेन डायबा पी बाय डायबा एक्स, डायबा एम बाय डायबा जेड इक्वल, डायबा पी बाय डायबा वाई, डायबा एन बाय डायबा जेड इक्वल, डायबा एन बाय डायबा एक्स, डायबा एम बाय डायबा वाई इक्वल, एग्जैक्ट एग्जैक्ट है। इंटीग्रेशन सॉल्व करो, निगेटिव लॉग। ये यहाँ पे खत्म हुई एक्सरसाइज 2.4। बस अब एक एक ही एक्सरसाइज बाकी 2.5। स्टूडेंट गिव मी जस्ट टाइम, बिकॉज वो काफ़ी लेंदी है, मतलब आई थिंक वो सम सॉल्व करने में ही बहुत सारा टाइम जाता है, ठीक है। सो गिव मी जस्ट टाइम, एटलीस्ट 3 to 4 days आई विल अपलोड इट ऑन, मतलब जो एक्सरसाइज है ग्रीन थ्योरम की, ठीक है, वो मैं अपलोड कर दूंगा 3rd या 4th ऑफ मे को, मोस्ट प्रोबेबली 3rd मे को ही मैं आखिरी एक्सरसाइज अपलोड कर दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। हाँ तब तक के लिए इतना पढ़ो, आई थिंक इतना बहुत है, बस 2-4 दिनों की बात है। आई विल अपलोड इट प्लीज। सो हाँ रिगार्डिंग डाउट हो तो मुझे इस नंबर पे भेज देना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।